क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से में अभी हम हैं वो है बॉडी एंड सर्कुलेशन जहां पर हम हार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है हार्ट के वॉल किस तरह के होते हैं हार्ट की वॉल कैसी होती है पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है पेरिकार्डियल कैविटी कहां पर होती है और हमने देखा ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम क्या होता है ठीक है ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं ब्लड के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा हुआ और ऑलरेडी लेकिन उसके बावजूद आपको आपने कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने क्वेश्चन किया उसके बावजूद आपने वो क्वेश्चन को आपने गलत किया कई बच्चों ने टके तो ऐसा मत कीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था कि डीएनए को को ब्लड प्लाज्मा के किस से किस भाग से ब्लड प्लाज्मा के किस भाग से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑप्शन ए दिया मैंने इरिथ्रोसाइट ऑप्शन बी दिया ऑप्शन ऑप्शन सी दिया दिया प्लेटलेट डी नन ऑफ के कई लोगों ने आंसर लगा दिया ऑप्शनोड अरे भाई कितनी बार बताऊं मैं कि बताऊंसाइडोसाइड प्लेटलेट जो है फॉर्मड एलिमेंट में आते हैं प्लाज्मा में नहीं आते जैसे ही मैं प्लाज्मा वर्ड यूज करता हूं तो मैं सेल्स को वहां से हटा देता हूं और सेल्स को हटा के प्लाज्मा की बात की तो क्या है वाटर और प्रोटीन केवल उसमें डीएनए कहां से आएगा है ना बेटा तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो ठीक है चलिए तो अभी हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते बेटा हम तो हम कहां पर थे हम के हम कार्डेक साइकिल को हम समझ चुके थे और हर बार की तरह इस बार भी पहले आप कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देंगे और फिर हम आगे बात करेंगे बेटा के तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा जिनके उत्तर में जो बार बार आपसे चाहिए होते हैं नंबर एक मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि बताइए मिट्रल वॉल्व कहां पाया जाता है मिट्रल वॉल्व कहां पाया जाता है ये आपको बताना है नंबर दो आपको बताना है थिवेशियन वॉल्व कहां पाया जाता है था thivation. वॉल्व कहां पाया जाता है यह आपको बताना है नंबर तीन आपको बताना है नंबर तीन आपको बताना है बेटा कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कितना होता है क्या होता है इसका कितना वैल्यू होता है ये भी आप बताएंगे मुझे के यानी मिट्रल वॉल्व कहां पर होता है थिमिशन वॉल्व कहां पर होता है स्टॉक वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है ये बताएंगे और नंबर चार क्वेश्चन ये है कि कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला भी बतलाना है कि कैसे कैलकुलेट करोगे कार्डियक आउटपुट ये भी आप मुझे बतलाएंगे क्लियर ठीक है चलो हरा आगे बढ़े हम हाँ. ठीक देखो आपके सामने बेटा एक हार्ट है हार्ट को हम अच्छे समझ चुके हैं अब हम मैं देखो आज हम क्या बात करने वाले आज हम बात करने वाले किसके ऊपर आज हम बात करेंगे के ऊपर बात करेंगे हम देखो हम हार्ट के सारे वॉल्व को जान चुके हैं हम हार्ट के सारे वॉल्व को समझ चुके हैं हम साइकिल को समझ चुके हैं ठीक है एट्रियल सिस्टोल क्या होता है और एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना है आपसे जो बिल्कुल आपको आंसर करना है वो ये है कि आप बताएंगे मुझे एस वन एंड एस टू क्या होता है एस वन क्या होता है एस टू क्या होता है एंड वॉट इज द रीजन ऑफ एस वन एंड नहीं मालूम तो आप सोचना चाहिए क्या पूछा है सर ने? S1 है में में हम बात कर रहे हैं जो हार्ट में, में S1 का कारण क्या है और S2 का फटाफट का मुझे आंसर चाहिए आप कैसे करेंगे आंसर? Yes, like समझ गए ना बात को चलो आगे बढ़ते हैं फिर आपके सामने ठीक है मैं पूछता अब बताइए इसमें आप कुछ जो है वो लेवलिंग करना आपको ठीक है फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है थर्ड क्या है फोर क्या है फाइव क्या है

आपके सामने क्वेश्चन है बेटा आपको बताना है ये वॉल्व कौन सा है ठीक है ए वॉल्व कौन सा है और बी वॉल्व ध्यान से देखिएगा और बताएगा ए और बी नेम ऑफ वॉल्व ठीक है देखिए ध्यान से देखिए ए और बी वॉल्व कौन से हैं ठीक है ना आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए बताइए कि ए वॉल्व को क्या बोलेंगे बी वॉल्व को क्या बोलेंगे हम ठीक है ना क्लियर बता सकते हैं इसको के आंसर करते हैं याद रखना कि ये वॉल्व यहां पे दिखाई पड़ रही है और क्या आप में से सबसे स्मार्ट जो बच्चा होगा सबसे स्मार्ट कमांडो होगा तेज पढ़ने में तेज ठीक है कर पढ़ने वाला वो ये भी बता देगा कि हार्ट सिस्टोल में है कि डाई स्टोल में है? वो ये भी बता देगा कि हार्ट सिस्टोल में है कि डाई स्टोल में ध्यान से देखिए वॉल्व का ध्यान से देखिए पोजिशन आप बताइए कि यह सिस्टोल में है कि डाई में ठीक है थीके? देखते हैं कौन बताता सही चेक करूंगा कमेंट ठीक है फिर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैं आपसे थोड़ा मेहनत करवाता हूं बेटा क्लास के पहले हमेशा क्योंकि तो मुझे मालूम है कि हर क्लास के पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ना तो फायदा होगा बेटा हमको क्या हम चीजों को हमेशा दिमाग में रख पाएंगे आप बहुत अच्छे हैं। आप इतने अच्छे बच्चे हैं जब लाइव्स से कभी आ, मैंने देखा बेटा आप लोगों को आप बहुत अच्छे बच्चे सच में जब भी कभी लाइव ला, जो है वो हम लोग लाइव आते हैं या प्रीमियर करते हैं तो आप लोग है ना बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस एक दूसरे पूछ रहे होते हैं इनके एंड आई रियली लाइक बेटा मैं मतलब मुझे ऐसी कमांडो तो चाहिए जो सोते जगते उठते बैठते पढ़ाई के बारे में सोचें इनके तो ही आप जो है टॉप पर पहुँचेंगे थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी मच इतना मेहनत करने के लिए हमारे सपने के लिए अपने खुद के सपने के लिए आपके लिए इतना मेहनत करने के लिए थैंक यू वेरी मच के रिजल्ट लेके आना बेटा लेकिन है ना ठीक है ना चलिए तो बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपको बताना है वॉल्व ओपन एंड क्लोज

टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है पहचानिए

जो है वो आ, आपका एवी नोड है कौन सा बंडल ऑफ हिज है कौन सा राइट बंडल है कौन सा राइट लेफ्ट है कौन सा प्रकिंजे फाइबर है क्या ठीक है सब आपको ये बतलाना है क्लियर ठीक है दो नंबर क्या है ये भी बताना है ठीक चलिए पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी कार्डेस साइकिल की तो कार्डक साइकिल के ड्यूरेशन को भी लेकर बात हुआ था हमने कहा था कि जो है वो 60 सेकंड में बहत्तर बार हमारा हार्ट धड़कता है मतलब टाइमिंग का तो को भी वहां पर देखा था. कि हमने देखा था किस प्रकार से पूरा का पूरा साइकिल जो है वो अपने को मैनेज करता है हमने कहा था कि एट्रियल सिस्टोल पॉइंट सेकंड का होता है और उसके बाद एट्रियल डाई जो होता है वो पॉइंट सेकंड का होता है वेंटिकुलर सिस्टोल जो है पॉइंट थ्री सेकंड का होता है और वेंटिकुलर डाइस्टोल जो होता है बेटा वो कितना होता है वो पॉइंट फाइव सेकंड का होता है कंप्लीट कार्डिक डाइस्टोल जब जिस समय ए, जो है वो एट्रियम और वेंटिकल दोनों के दोनों डाइस्टोल कंडीशन में होते हैं वो समय पॉइंट फोर सेकेंड का होता है तो प्लीज कीप कीप ठीक है अपने दिमाग में रखना बेटा है सिस्टोल पॉइंट वन सेकंड का है 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 का तो to stol, point five second का होता ठीक और ऐसा फेज जिस समय एट्रियम और वेंटिकल दोनों डाइस्टोल होते दोनों डाइस्टोल में होते हैं है, वो कितना होता है पॉइंट फोर का होता है क्लियर ठीक है ना ओवरलैपिंग टाइम जिससे हम बोलते हैं ज्वाइंट डाइस्टोल क्या बोलते हैं हम ज्वाइंट डाइस्टोल कहते हैं इसको हम ये कितना होता है ना ठीक फिर हम पूरा अच्छे से मैंने कहा ना एस एक्ट्रियल ठीक है ये पूरा हमने देखा के एक, एक अवस्था ऐसी आती है ध्यान से एक अवस्था ऐसी आती है जब एट्रियल स्टोल कर रहा होता है उस समय डाइ स्टोल में होता है तब वो तो पॉइंट वन सेकेंड का टाइम ऐसा होता है जहां पर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल डाइस्टोल में होता है और एट्रियम सिस्टोल होता है तो वही तो पॉइंट वन जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है देखो यहां पर है ना बेटा ठीक है चलिए अब हम सब जानते हैं अच्छे से कि यदि आपको हार्ट की कंडीशन का पता लगाना है कि हार्ट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि आपको यह पता लगाना है कि एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट राइट इन इनसाइड हार्ट हार्ट में सब कुछ ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडीशन ठीक है हार्ट का पंपिंग एक्टिविटी ठीक है तो आपको उसको आपको उसका पता लगाने के लिए आप क्या करते हो आप उसके पता लगाने के लिए आप यूज करते हो किसका आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम का आप यूज करते हो ECG का आप यूज करते हो के, ECG के इससे हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मालूम चलती है आपको ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था हमने कहा था पी वेव फिर हमने कहा था इसके बाद हमने कहा था क्यू आर एस फिर हमने कहा था कि टी वेव याद है ठीक है हमने बाकायदा ऐसा ईसीजी के बारे में अलग अलग फेज हम साथ में पढ़ते हुए चले थे आज हम पूरा ईसी समझते हैं और मैं कह रहा हूं आपसे आज आप ईसीजी की ध्यान से मेरी बात सुन के आज आप ईसीजी की क्लास करने के बाद आप घर में किसी का ईसीजी पढ़ा होगा पुराना आप देखेंगे तो आपको आपको उसको समझने में हेल्प मिलेगी और मजा आएगा बहुत मजा आएगा आपको के और वही तो फील है बेटा फील के तो वो जो जो मेडिकल वाला जो फील है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपको जो है वो एक लगता है थोड़ा सा मुझे बड़ा करना चाहिए अपने ठीक है है ना ठीक तो अब वो आपको एक डिफरेंट टाइप का जो है उसमें फील आएगा और वो वो जबरदस्त चीज है बेटा ठीक है ना आना चाहिए तब तो पढ़ रहे यार मेडिकल का कुछ समझ ही ना है ऐसा कहेगा का मेडिकल की पढ़ाई ठीक है ना कुछ समझ में आना चाहिए चलिए तो हम बात करते हैं बेटा अब ध्यान से बात सुन उठ के ईसीजी में जो है वो तीन तो मेन लीड होती है

देखो है ना आप देख रहे हो ये चेस्ट लीड्स ये क्या है ये है आपकी चेस्ट लीड होती हैं ठीक है ना? आपने देखा बहुत सारे छोटे-छोटे से जो है वो बलून जैसे बने होते हैं इसी चीज में जिसको लगाता है रितिक के देखो आप v1 v2 v3 v4 v5 v6 के ये चेस्ट लीड है यहां पर ठीक ठीक चेस्ट लीड को लगाया गया अब हमको इतना डिटेल में नहीं जाना कि कहां लीड की पोजीशन होती है किस वॉल में क्या क्या एक्टिविटी चल रहा होगा यहाँ पे देखिए और यहाँ पर जब आप जब भी कभी आप इीजी का पढ़ते हैं ना तो एक बात फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत काम आता है ईसीजी में जो है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बकायदा काम आता है वो है वैक्टर्स पूरा का पूरा इसी जो है वो वैक्टर जब आप एमबीबीएस करने पहुंचेंगे जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में होंगे ना तो मैं आपको दावा कर रहा हूं कह रहा हूं के, आपको फिजिक्स के वेक्टर काम आएंगे अभी आप में से कई बच्चे पूछते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़े सर जब जाना मेडिकल में है हाँ मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए तो हमको फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स बेटा मेडिकल में काम आते हैं एमबीबीएस में काम आते हैं वेक्टर का फंडा क्लियर नहीं है तुमको स्केलर और वेक्टर प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है वेक्टर नहीं समझते वेक्टर का एडिशन वेक्टर का जो है वो जो है वो डिडक्शन वेक्टर का किस प्रकार से वेक्टर जुड़ काम करते हैं वो नहीं समझते हो तो कई सारे मेडिकल के फंडे समझ में नहीं आएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आती है यू कैन नॉट गो फॉर द रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर आप नहीं बन सकते उठ के आपको वो भी आना चाहिए कि आपको यदि जो है वो लोड बैलेंसिंग नहीं मालूम है आपको मैकेनिक्स नहीं आती है तो आप आर्थोपेडिक सर्जन नहीं बन सकते है। अच्छे है आप ध्यान से बात सुन के फिजिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल प्रोफेशन ये मैं आपसे कह रहा हूं कहीं कोई नहीं बतलाएगा आपको ये बात क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूं और आज भी केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का आज भी हम जो है तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कंपार्टमेंट तो के अंदर तो फिजिक्स की बात करते हैं के प्रेशर की बात करते हैं हम लोग तो जो हम जो ब्रेन के इंटरक प्रेशर के प्रेशर कैसे रिलीज करना है क्या करना बहुत सारे फिजिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप ब्लड प्रेशर बोलते कहते हैं किसी को हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर है तो क्या ब्लड प्रेशर है आर्टरी नैरो हो गई है और फ्लूड का फ्लो बढ़ गया थ्योरम काम कर रहा है भाई वहां पर कौन कहता है फिजिक्स काम नहीं आती है जो ऐसा कहता है ना गलत है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पढ़ लो फिजिक्स भाई पढ़ लो काम आएगी ठीक है ना काम आएगी सिलेक्शन में भी काम आएगी बाद में भी काम आएगी ठीक है चलो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे तो मैंने क्या कहा आपसे कि कहां कहां पर ये लीड लगाई जाती है तो अभी आप केवल सुन लो बेटा ये पढ़ना रटना नहीं हमको कि आपके स्पेस में लीड को एक स्पेसिफिक पोजिशन में लगाते हैं रेंडम, है। रेंडम कहीं ना अब ये कहां लगाते हैं सब हम एमबीबीएस में पढ़ेंगे अभी हम आगे बढ़ते ठीक है अभी हम एक केवल मैं आपको ग्लिम्स देता हूं कि क्या एमबीबीएस में आता है अब हमारे काम का ये हमारे काम का ये नीट के लेवल पर बात करें और मैं पक्का वाला प्रॉमिस है जब तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे ना तो ये वेक्टर में पढ़ाऊंगा तुमको और तुमको ईसीजी में पढ़ाऊंगा जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पहुंचोगे फिजियोलॉजी के अंदर मैं आप आप मुझे याद दिला देना आप मुझे याद दिला देना मैं आपकी स्पेशल क्लास लूंगा और मैं आपको ईसीजी में एक्सपर्ट कर दूंगा आपको मैं ठीक है ना चलिए ये मेरा प्रॉमिस है पक्का वाला प्रॉमिस ठीक है ना याद दिला देना लेकिन ठीक है चलो देखो पी वेव के बारे में हमने बात किया था हमने अब पी वेव की बेटा हमने क्या बोला हमने कहा पी वेव की बिगिनिंग कहां से हुई बिगनिंग होती यहां से यहां से इसकी बिगनिंग हुई ये पी वेव पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था मैंने कहा था ये

अब आप आप में से कोई मुझे बताएगा कि पीआर इंटरवल क्या चीज है ये वो चीज है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो बन चुका है जो आपके मायोकार्डियम के लिए स्पेशलाइज नोडल टिश्यू के अंदर जो साइनो नोड में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स बन चुका था जो जो फ्लो फ्लो है करंट का जो फ्लो है वो अभी एक्ट्रियोवेंट्रिकुलर ट्रैक से एवी नोड तक हो रहा है वो 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 एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्रैक जो है जो हम बोलेंगे कि नो, नो, नोडल कनेक्टेड ट्रैक से जो है क्या हो रहा है वो एसए नोड से इंफॉर्मेशन एवी नोड तक पहुंच रही है ठीक है तो ये यहां पर देखो जो आपका मेरी बात ध्यान सुन के जो ईसीजी है वो कहां किसका करंट नोट करता है ईसीजी इज बेसिकली मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन मायोकार्डियम क्या नोट करता है वो वो नोड उसको थोड़ी ना पता है कि नोड में करंट बन गया

कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक है ये बन गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया दिस इज कॉम्प्लेक्स ठीक है ये 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 क्या बतला रहा है? ये बतला रहा रहा है ये है QRS complex, है 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 कॉम्प्लेक्स ठीक ना बेटा ये क्या बतला रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बतला रहा है आपका वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है बतला रहा है कि वेंट्रिकल के अंदर जो है वो डीपोलराइजेशन हो गया है और मायोकार्डियम में करंट आ चुका है ठीक आपको जब करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा करंट में जब कोई नहीं होगा ना कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वहां पर आपको आइसो इलेक्ट्रिक जो है वो लाइन दिखाई पड़ती तो है हमने क्या कह? हमने कहा हमने कहा कि दिस इज ए आइसो इलेक्ट्रिक लाइन एक प्लेन लाइन दिखाई पड़ रही मतलब करंट में कोई डिफ्लेक्शन यहां पर नहीं हो रहा जैसे ही जैसे ही वेंट जैसे ही क्या हुआ जैसे ही वेंट्रिकल का का जो है वो वापस से पोलराइजेशन हुआ द्वारा दोबारा जैसे वेंट्रिकल अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट के आया ना ठीक है डाइस्टोल में गया ये डाइस्टोल में गया वेंट्रिकुलर डाइस्टोल में गया तो क्या बन गया बेटा तब क्या बन गया तब टी वेब बन गया तो ये क्या बता रहा है ये

ये टेबल सब बच्चे बनाएंगे बेटा के प्लीज सब रखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल आपकी कॉपी में होना चाहिए और सामने आपके आपके जहां पढ़ते हैं वहां सामने लगी होना चाहिए क्योंकि बेटा कारण ये है कि ये टेबल से ही क्वेश्चन है एग्जाम जो एमसीक्यू आएगा ना आपका एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा ना वो इसी से से आएगा वो तो ये अलग अलग एमसीक्यू के बेटा आंसर है ये समझ गए ना बात को आप ठीक है आप बनाइए टेबल जरा तब तक मैं एक थोड़ा पानी पी लेता हूं ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन पी वेव दिख रहा है आपको कैसा है ये बनाना है बेटा प्लीज है ना गलती मत करना देन डिले करनाट नोट तक इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है पीआर सेगमेंट बोला है इसको हमने ठीक है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब मतलब डाइस्टोल वापस से पहले वाले कंडीशन में सिस्टोल के फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना वेंट्रिकुलर टी वेव बना ठीक है कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगा तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन दिखाई पड़ेगा प्लीज नोट इट डाउन ये ये बहुत है दिस इज वन ऑफ डाउनिकार्टो फैंटास्टिक जो है है वो चार्ट है, जो जो आपके ईसीजी वाले क्वेश्चन नीट के लेवल पे आते हैं उनके आप आसानी से आंसर कर सकते हैं क्लियर ठीक है चलिए अब आपके सामने जो है मैं बताता हूं कि क्या कनेक्शन है हार्ट के दिल के धड़कने का वाह 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 वा, दिल के धड़कने का इसी से क्या संबंध है ठीक है तुम सोचे कि सर कोई शेर और शायरी सुनाने वाले हैं तो ये गलत फहमी थी तुम्हारी कि दिल के धड़कने का जो है वो दिल की वॉल से क्या संबंध है और ईसीजी में क्या मालूम चलता है उसकी बात करेंगे हम ठीक है ठीक है है ना तो बहुत चीजें मालूम चलती है इसी से ईसीजी को कई जगह पर जो है बेटा ईकेजी भी बोलते हैं इसको ईकेजी भी कहते हैं ठीक है ना ठीक

आने वाले भविष्य के आप एक बड़े डॉक्टर हैं इसलिए इसीलिए आप इस चीजों को सीखने से समझ रहे क्योंकि देखो जब तक फील अंदर से नहीं आएगा ना कुछ बड़ा करने का तो वो दिमागी गरीबी होती है वो दिमागी गरीबी बोलते हैं स्कारिटी दिमाग के अंदर हम अपने आप बारे में बड़ा कुछ सोचते ही नहीं है अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते ही नहीं हम ठीक देखो आर्थिक अमीरी गरीबी उसको हम दूर कर सकते हैं पैसा आ गया ठीक हो गया भाई सुधर जाएगी स्थिति लेकिन दिमागी गरीबी को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कारण यह कि वहां हम ट्रैप हो जाते हैं बंद जाते हैं उनके वहां मत फंसी बेटा ठीक है ना अच्छा सोचिए आपने अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने मैंने गुद गौर किया अभी कि बहुत गंदा सा मतलब ये जो है पिछले एक आध साल में मैंने देखा कि YouTube में ऐसा देखो जो ऐप पर लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे डिस्ट्रक्शन फ्री जो एप्लीकेशन पर वीडियो देख रहे हैं जो वेबसाइट पर वीडियो देख रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन फ्री उनको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता यूट्यूब का लेकिन जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं ना वो ऐसा माहौल हो गया है टीचर टीचर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है बच्चे टीचर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बच्चे अपने अलग अलग किसी को प्रेस कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी को जज कर रहे हैं दो तरह के टीचर के दो अलग अलग बयान जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था उन्हें जोड़कर एक वीडियो बना रहे हैं और वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव इनके गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलना चाहिए तो मैं मैं जो है वो देखो और ये क्या होता है कोई भी फील्ड जब तेज़ी से ऊपर बढ़ता है ना वहाँ पर इस तरह की गंदगी होती है लेकिन वो तूफान होता है उसके बाद सब चीज़ें सेटल डाउन कर जाती हैं जो अच्छे लोग हैं वो रह जाते हैं और जो बुरे लोग हैं धीमे धीमे कहीं और खो जाते हैं पर उसमें हम अपना वक्त बर्बाद कर लेते हैं बेटा ठीक है तो इसलिए मेरी इस सारे बच्चों से जो है वो रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब पर है कि डिस्ट्रक्शन फ्री पढ़ना है तो आप ऐप पर आ जाइए बेटा सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हैं और यदि आप यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं किसी कारण से तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप इन सब चीज़ों में मत उजिए आप ठीक है ना ना मैं बहुत अच्छा हूं किसी को बताने की ज़रूरत है ना किसी को दर्पण दिखाने की जरूरत है कि तुम कैसे उठ के है ना ना कोई बहुत अच्छा है उसको यहां बताने की ज़रूरत है सब अच्छे हैं सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कहता हूं आपसे कि देर आर फ्यू टीचर्स इन इंडिया जो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किए हैं कि जो बहुत बड़ा नाम भी क्रिएट किए हैं जो जिन्होंने बच्चों को जो है वो कम पैसे में शिक्षा पहुंचाने में बहुत बड़ा मुहिम चलाए हुए हैं और मैं ऐसे सारे टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हूँ तो आप मैं किसी का नाम नहीं ले सकता अपने प्लेटफॉर्म पर लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो शिक्षक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन का काम कर रहे हैं है, वे सब सम्माननीय हैं सम्मान योग्य हैं और बहुत दिल के अच्छे हैं काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमको हमको कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी नहीं हमको बेटा फैलाना चाहिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा ठीक है ना मैं सारे बच्चों से बोलो हमारा मिशन तो ये भी है देखो हमारा सिंपल छोटा सा सपना ये अपना कि अपना परिवार बढ़ जाए एक मिलियन तक पहुंच जाए ठीक है ताकि हमको भी अच्छा अच्छा फील हो लगे हाँ हम भी जो है वो इतना छोटा सा सपना है ठीक है वो देखते हैं कब पूरा होगा होगा दो साल लगेगा चार साल लगेगा कभी तो पूरा होगा भाई ठीक है करते रहेंगे कोशिश ठीक है और हमारा बच्चा टॉप पर आए यार वन पे हमारा बच्चा है मारा सपना है तो वही सपना है मेरा, पे है 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 मेरा पे ठीक ठीक मेहनत करना हम हम नहीं हमें सफलता असफलता से दूर जाकर कहीं सफ, रास्ते का मजा ले रहे एक सफर है, उसका मजा ले रहे हैं और बात करते हैं हम हार्ट की वॉल है उसका इसी से क्या दिल के धड़कने का क्या संबंध है तो पहली पिक्चर हमारे सामने ये आती है

ना दिल धड़का है ना करंट बना है अभी हमने कहा ना दिल धड़का है ना करंट बना है कुछ भी यहां पर नहीं हुआ है तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं स्टार्ट ठीक है ना जीरो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है हमने कहा यहां पर यहां पर खेल शुरू हुआ यहां पर जो है वो एस ए रोड ने

कहां आ गया इलेक्ट्रिक करंट करंट पूरा पूरा का है, है. है? है, है. मतलब, है साइनो ऑरिकुलर नोट से बीच में जो ट्रैक है हमने कहा एट्रोवेंटिकुलर जो, जो हमने से कहा कि जो, जो नोडल ट्रैक थे वहां पर पहुंच रहा है तो क्या हो गया यहां पर पी आर अब क्या हो गया सेकंड स्टेप क्या गया वो आ गया पी आर मैंने इसको ऐसे ये आ गया आपका अलग कलर से करता हूं भाई इसको ताकि कंफ्यूज ना करो ठीक है ये हो गया इंटरवल पे आ ठीक है ना ठीक तो मतलब पी वेब बना देन पी आर इंटरवल पे हम आ गए है ना बेटा अब कहां पहुंचेगा करंट एवी नोट से लेफ्ट में पहुंचेगा करंट ठीक है देखो क्या हुआ देखो एवी से से देखिए गौर एस ए नोट का काम खत्म अब एवी के पास करंट था एवी नोट ने जो है कहां भेजा इंपल्स को उसने इंपल्स को भेज दिया कहां पर बंडल ऑफ ऑफिस राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में गया गया पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल में पहुंचा तो क्या बन यहां पर यहां पर बन गया ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया ये हुआ देखो ध्यान से क्या बन गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को वेंट्रिकल के सिस्टोल को बतला रहा है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन गया क्लियर ठीक है

जैसे ये टी पर पहुंचे उसके बाद फिर से आईसो इलेक्ट्रिक लाइन आ गई फिर से वन से स्टार्ट किया हमने मतलब पूरा, पूरा तो क्या, एक, एक क्या कहा पी वेब बना ठीक है पीआर इंटरवल बना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना ठीक है फिर आईसो इलेक्ट्रिक लाइन आया टी के बीच में ठीक है फिर एसटी इंटरवल जो है उसके बाद क्या हुआ टी वेब बना टी वेब के बाद फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आया क्लियर? ये लगातार ईसीजी ऐसे काम कर रहा होता है ठीक है क्लियर अब ध्यान से देखिए आप अभी हम और भी बात करेंगे इसके ऊपर अभी पहले हम पहले हम बेटा पहली प्रायोरिटी पर नॉर्मल ईसीजी को समझने की कोशिश करें कि नॉर्मल ईसीजी कैसा, कैसा होता है ठीक है कैसा होता है नॉर्मल ईसीजी उसकी बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा कि देखो जो पी वेव है वो एट्रियल को शो कर रही है मतलब एट्रियल सिस्टोल को शो कर रही है ठीक है और ये पी आर इंटरवल है और ये क्या है क्यू आर एस का ड्यूरेशन दिखाई पड़ रहा है वेंट्रिकुलर डिपोलेशन को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा होता है वेंट्रिकुलर रिपोलेशन को टी वेव शो कर रहा होता है बेटा ठीक है ठीक है और ये क्यू टी इंटरवल

अरे कॉमन सेंस की बात है क्यू आर एस कॉम्प्रेस पास पास होंगे मतलब हार्ड बीट फास्ट है क्यू आर एस कॉम्प्रेस दूर दूर होंगे मतलब हार्ड बीट स्लो है ठीक है नॉर्मल बीट फास्ट हार्ट बीट स्लो हार्ट बीट क्या क्यू आर एस कभी पास है कभी दूर है मतलब इरेगुलर हार्ट बीट तो ये तो आप देख सकते हो आराम से इसी जिमिट के आपको लग रहा है कि क्यू आर एस कॉम्प्रेस जो है वो दूर 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 दूर, दूर दिखाई पड़ रहे हैं आपको मतलब हार्ट बीट स्लो है ठीक है पास 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 दिखाई पड़ रहे हैं मतलब हार्ट बीट फास्ट है और आपको एक निश्चित अंतर पर दिखाई पड़ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे वो है नॉर्मल के और यदि दो क्यू आर एस पास में फिर एक लंबा गैप है फिर दो पास में फिर एक दूरी पर है तो मतलब इनरेगुलर हार्ट बीट है ठीक है ये तो हम समझ सकते हैं चलिए अब आप बोलोगे सर हमने ईसीजी पेपर देखा हमने देखा ईसीजी के में कि वो पिंक कलर का पेपर होता है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं

Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. Okay. You ठीक है आप यदि जाएंगे तो हॉर्जेंटल प्लेन में पांच है और वर्टिकल में जो है वो पांच आपको दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है ना बेटा क्लियर तो एक लार्ज ध्यान से बात कि छोटी छोटी बातें कई बार एग्जामिनर ऐसी सिंपल चीजें है कि पूछा के स्ट्रिप में इसकी बात कर रहे हैं अभी हम हम ईसीजी

इतने साल की मेरी प्रैक्टिस है आज भी इतने साल की मेरी प्रैक्टिस है आज भी जो है वो कई ई आज भी कई सारे ईसीजी ऐसे होते हैं ठीक है मतलब आपको महीने दो महीने में एक आध ईसी जैसा मिल जाता है जिसको मैं जो है किसी कार्डियोलॉजिस्ट को भेजता हूं उनसे ओपिनियन लेता हूं ठीक है मेरे सब मेरे जो फे, सबसे फेवरेट कार्डियोलॉजिस्ट जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यंग एकदम यंग टैलेंटेड एंड बेस्ट डॉक्टर डॉक्टर पंकज मानोरिया सर ठीक तो है वो बहुत मतलब मेरे सीनियर है, है जीएमसी के ही इज वेरी गुड डॉक्टर वेरी गुड डॉक्टर ठीक है बुक्स भी लिखी उन्होंने डॉक्टर ने, ने कई के उनके फादर बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे वो खुद भी बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है तो मैं उनका ओपिनियन लेता हूँ आजकल एक एक कंपनी भी शुरू हुई है उसका नाम ट्राई कॉप करके कंपनी है ट्राई कॉप मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी कंपनी को बता रहा हूँ अवेयरनेस के लिए वो क्या करते हैं वो आपके क्लिनिक में आके आपको मशीन लगाएंगे ठीक है आपने इसी लिया उसके बाद उसका एक जो है इंटरनेट कनेक्टेड होता है उसमें तो वो जो उनके जो भी उनके जहाँ पे भी उनका हेड ऑफिस है वहाँ पे उनके ई के के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बैठी होती है वो झट से देखते हैं इसी को पूरा कमेंट करके दस मिनट के अंदर आपको कमेंट दे देते हैं ठीक है तो डॉक्टर का टाइम बचता है गलती करने की संभावना भी कम होती है क्योंकि इसी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है ठीक है ना तो बेसिक्स पता होना चाहिए तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि वो हर किसी पेपर पर पे नहीं होता ये ये बकायदा एक सर्टेन टाइप ऑफ पेपर होता है जिस पर ईसीजी को लिया जाता है ईसीजी स्ट्रिप कहते हैं उसको हम ठीक है ना ठीक अब इसमें क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं एक बड़ा बॉक्स है वन एक बड़ा बॉक्स तो बड़ा बॉक्स जो होता है बेटा वो कितना फाइव मिलीमीटर एंड फाइव मिलीमीटर का बॉक्स होता है फाइव एम एम एंड फाइव एम हर एक छोटा बॉक्स वन एम एम का होता है हर एक छोटा बॉक्स एक मिलीमीटर का होता है वन एम एम का होता टाइव एम एम फाइव एम एम का बॉक्स होता है और एक याद रखिए ये क्या करता है बेटा इसमें जो वर्टिकल प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन है ठीक है आप बोलोगे सर ये तो डॉक्टर डॉक्टरी वाली बात करने लगे आप ठीक है ना एक हॉरिजेंटल प्लेन है इसमें है ना बेटा है ना अरे भाई ये ऑरिजेंटल हो गया इधर जा रहे हो करके ऊपर जा रहे हो वर्टिकल हो करके तो वर्टिकल प्लेन जो होता है वो बताता है करंट को इट शोज करंट ना ये बताता है ऑरिजेंटल टाइम को

पॉइंट वन मिलीवोल्ट करेंट पॉइंट वन मिलीवोल्ट करेंट को रिप्रेजेंट करता है तो बड़ा बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा फाइव से मल्टीप्लाई कर दो भाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट फाइव मिलीवोल्ट करेंट बड़ा बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा जो बड़ा बॉक्स है फाइव इंटू फाइव का ठीक है फेक छोटा बॉक्स क्या करता है छोटा बॉक्स जो है वो क्या शो करता है छुटकूसा बॉक्स मिली सेकेंड टाइम टाइम कितना बड़े बॉक्स में कितना हो गया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट फाइव मिली वोल्ट इज दी करंट और बड़े बॉक्स में टाइम कितना आ गया फोर्टी मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना आ गया पॉइंट टू मिली सेकेंड कितना आ गया पॉइंट टू सेकंड पॉइंट टू सेकंड क्या हमने कहा पॉइंट टू सेकंड टाइम आ गया एक बड़े बॉक्स में है ना बेटा क्लियर चलो ये बात हमको समझ के ठीक तो देखो यदि वन मिली वोल्ट करेंट है तो दो बड़े बॉक्स लग जाएंगे उसमें है ना बेटा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना ठीक है तो हमने इसी तो देखो इसका मतलब ये अब नोट कर लो

ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा बड़ा मन है मेरा बड़ा मन है कि कभी भगवान मौका दे एक, एक बार कि मैं भारत के शिक्षा एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकूं। इस बार एक बार चांस दे कोशिश करते हैं ठीक है कि कभी हम भारत के जो जो सी बी एस ई जो एन सी आर टी है जो एजुकेशन सिस्टम का मैं हिस्सा बन सकूं, ठीक है तो मैं

एक एनसीआर आपको बता दूं मैं सुनना यार दो पांच मिनट कभी सुन लिया करो मेरी बात भी किससे बात करें यार तुम सामने तो हो नहीं ना सामने होते क्लास में तो और वन टू वन बात करते हैं हम लोग ठीक है एक एनसीआरटी बीच में आया था आपकी इस एनसीआरटी के पहले चार या पांच साल वो एनसीआरटी रहा आ, ना मुझे अच्छे से ध्यान है ये एनसीआरटी जो है वो 2002 से लेके 2006 या 7 तक रहा 2001 से 2000, जबरदस्त बुक थी एनसीआर की वो पुरानी बुक मिलेगी नहीं कभी आपको कहीं के बहुत रेयर होगी वो जो पुरानी एनसी इस एनसीआर के पहले ना इसका जो इसके क्या एडिशन आ रहे हैं ये नहीं ये जो 2000 जो है वो सिक्स सेवन में जो एनसीआर है ना इसके पहले का जो है ऐसा बुक था वो कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो है ना मतलब वैसा फैंटास्टिक बुक मैंने कभी देखा नहीं इतना जो और वो बुक जैसे ही आया ना तो स्कूल के जो कई, कई टीचर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं पढ़ा पा रहे ये छोड़ो उसको ये हटाओ बहुत रिकमेंडेशन आया पूरे इंडिया से कि भैया इसको चेंज करो बड़ा भयंकर बायोलॉजी का बुक बन गया हटके लेकिन वो मतलब मैं कह रहा हूं जो इस समय जो जो कैंप वेल की बुक की बात करते हैं बायोलॉजी की तमाम इंटरसनल बुक की बात करें सब उसके सामने फेल थी ऐसा फैंटास्टिक बुक पुराना एनसीआर जबरदस्त बुक था वो खैर पुरानी बातें हैं निकल आती कभी कभी अभी मुद्दे पे आते हैं के मैं इस बात करता हूं आपसे कि छोटा तो बड़ा बॉक्स हम समझ गए यहां के तो ईसीजी मशीन के मैं जो पेपर मूव करता है उसका स्पीड क्या होता है उसका स्पीड होता है मशीन में जो मूव करता है ट्वेंटी मिलीमीटर mm पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है

अब आपको पता लगाना है कि भाई नॉर्मल e अब आपको पता लगाना है कि हार्ट रेट कितना है, इसका, आपको पता लगाना है कि कितना हार्ट रेट है, e e है, हार है तो डॉक्टरी वाला फंडा बता रहा हूं ठीक है सिंपल सा फंडा है आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच के लार्ज बॉक्स गिन लीजिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच के लार्ज बॉक्स गिन लीजिए आधा एक दो तीन आधा मतलब चार हो गए हो गया ना बेटा फोर फिर गिन लीजिए आधा एक दो आधा तीन आधा कितना हो चार, मतलब दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में चार बड़े बॉक्स हैं सुनना बात ध्यान ये आपको बता रहा हूं इसी का फंडा लिखा है एनसीआरटी में ये मत बोलना एनसीआरटी में नहीं लिखा क्यों का ज्ञान दे रहे हो सर आप के एनसीआरटी में लिखा बताऊंगा अभी सब्र रखो ठीक है धीरज धरो हे वीर पुत्र धीरज धरो ठीक है वो महाभारत में नहीं बोलते इसके तो तो <laughs> कॉम्प्लेक्स के बीच में जो लार्ज बॉक्स है ना उनको गिन लो क्या करो अरे बाद में ढूंढ लेना घर में रखी इसी जी को पहले मेरी बात सुन लो अरे तब दौड़ पड़े एकदम के इसी ढूंढने सर बोल रहा थे इसी ढूंढ के आओके मम्मी इसी जी निकाल दो वो पड़ा था दादाजी का पापा का मम्मी की, किसी का कभी ना कराया होगा ना आज हम इसी जी देखेंगे आज से हमने अपने आपको घोषित कर दिया सेल्फ ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं बेटा बहुत पढ़ना पड़ता है ये तो आपने तो आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच के लार्ज बॉक्सेस की संख्या गिन लीजिए ये आधा 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 बीच में कहीं पड़े तो आधा गिन लीजिए उसको कितना है okay. और उसको 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो आपने गिनाया नंबर उससे आप डिवाइड कर दिए चार चार से आपने क्या किया थ्री डिवाइडेड बाय फोर कितना आ सेवेंटी फाइव आ गया फॉर्मूला है भाई के आपको पता लगाना है हार्ट रेट पता लगाना है आपको सिंपल फंडा है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स ठीक है आप हार्ट रेट निकल आएगा आपका बस शर्त ये शर्त ये है इट शुड बी रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए यह शर्त है इसकी ठीक है ना बाकी निकल आएगा

क्लियर अब आपने बोला सर मान लो इेगुलर हार्ट हार्ट रेट है मतलब आपने कहा कि आपने कहा कि सर वो तो ऐसा हो गया कि जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो क्यूआरएस आर जो है वो यहाँ पर एक हो गया दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर मैंने कहा दूसरा वाला जो है वो फिर से जो है वो हमने कहा कि ये दूसरा वाला ये हो गया हमारा ठीक है

ठीक है यानी वो स्ट्रिप एक निश्चित लंबाई की होती है वो अनंत काल तक लंबी नहीं होती है ठीक तो उसमें आप जो जितने भी कॉम्प्लेक्स रिदम है, है उसमें सारे कॉम्प्लेक्स गिन लीजिए और जो है उनको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे सिक्स से, से मल्टीप्लाई कर दिया आपने मल्टीप्लाई बाई दी सिक्स ठीक ना यदि इररेगुलर है तो उससे आप एक एवरेज हार्ड बीट निकाल लेंगे वो आया आपका कि मैंने कहा कि रिदम स्ट्रिप में टेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई सिक्स किया तो सिक्सटी बीट पर मिनट आ गया यहाँ पे ठीक है ये इररेगुलर का फॉर्मूला है मतलब यह है कि क्यू आर एस मोरल ऑफ इज दैट QRS कॉम्प्लेक्स को देखकर आप आरआर इंटरवल को देखकर लार्ज बॉक्सेस को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हार्ट बीट कितना हार्ट रेट कितना है ठीक है नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है याद रखिए नॉर्मल हार्ट रेट 60 से लेकर 100 है हार्ट देखो अब लोग बोलते हैं सर 72 होना चाहिए मेरा तो 71 चल रहा है आई एम बीमार मुझे दिल की बीमारी है क्यों सर मेरा हार्ट रेट जो है वो 71 आया 73 आया अरे भाई ये करता है बेटे दौड़ेगा तो बढ़ जाएगा सोएगा तो कम हो जाएगा ठीक है ना हां ये बात भी बिल्कुल सही है एक्साइटमेंट में बढ़ जाता है ठीक है पहली बार किसी से बात कर रहे हैं दिल की धड़कन बढ़ जाती है

जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट रेट तो बढ़ेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसको टेकी कार्डिया घोषित रेट हंड्रेड के ऊपर तो, तो यह टर्मोलॉजी याद रखना है आपको इंपॉर्टेंटा आई एम पी है ठीक है टेकी कार्डिया हायर हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया लोअर हार्ट रेट होता है क्लियर ठीक है फिर देखो पी के देखो पी बकायदा पर दिखाई पड़ रही है बकायदा दिखाई पड़ रही बेटा तो मतलब है है याद रखना की शुरुआत कैसे हुई थी हमने कहा था कि पी बना पहले ठीक फिर क्या बना फिर QRS complex बना ये, है फिर फिर ना बेटा ठीक है टी के तो पी वेब एक पी की नॉर्मल पी वेब है एट्रिया में सब कुछ यदि यदि पी वेव एब्सेंट है क्वेश्चन है व्हाट इफ व्हाट इफ क्या होगा यदि पी वेव एबसेंट है मतलब यह है कि पी वेव जो है वो प्रॉपरली नहीं है और वहां पे आपको जो है वो पी वेव दिखाई मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इट इज अ डेंजरस कंडीशन के एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रिया क्या हो क्या हो रहा है कि पी वेव में करंट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है इसलिए वो है वो हमको साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रही है दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन देखिए ध्यान से है, है है, है, है ठीक ठीक है ना? ठीक. तो तो की की होती ना? बात करते हैं हम. मतलब पी वेव के शुरू होने से लेकर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने के बीच का जो अंतर है ठीक है वो पी आर इंटरवल ये कितना होना चाहिए ये तीन से पांच स्मॉल स्क्वायर का होना चाहिए मतलब 120 से 200 हंड्रेड मिली सेकेंड होना चाहिए तीन से पांच तो याद रखिए तीन से पांच स्मॉल स्क्वायर का होना चाहिए और यदि इससे अधिक है तो इसका मतलब ये एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो चुका कहीं पर जो है जो, जो कंडक्शन है

को दिखाना पड़ेगा इसके एस ए नोट से ए बी नोट के बीच में जो है जो, है, है। थीक है? थीक? Block, है जो है वो 200, है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक बोलेंगे हार्ड ब्लॉक कहते हैं ठीक है ठीक देखो आप इसी अब एनसीआर पे आ गए है बिल्कुल

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डाउट के, के दौरान जो भी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में परिवर्तन होते हैं वो सब इसीजी रिप्रेजेंट करता है ठीक है एक ईसीजी प्राप्त करने के लिए पेशेंट को हम जो है मशीन से कनेक्ट करते हैं तीन इलेक्ट्रिकल लीड से इलेक्ट्रिकल लीड लेते हैं तीन के तो हम क्या बोलते हैं बोलतेड होती है लीड बोलते, दो तरह की लीड होती है एक होती लीड के अप, जो है दोनों अपर राइट और लेफ्ट आ, आर्म में लगती है और लेफ्ट लेग में लगती है, है? पेशेंट को हम मशीन से इलेक्ट्रिकल लीड से वन ऑफ इच रिस्ट के जो है वो रिस्ट में जो है वो रिस्ट में लगाते हैं राइट में लेफ्ट में और एक लेफ्ट एंकल में लगाते हैं हम ठीक है ना और इससे ये क्या अब आप देखो कैसे ये एक आदमी है ठीक है एक आदमी है मान लो यार आदमी है तुम बोलोगे तो वो बना दिया आपने जो तो खेतों में लगा होता है ना ठीक है मान ना हमको बनाने दो तो हम बहुत अच्छे चित्रकार नहीं है अभी तो हमने क्या कहा हमने इसी को एक यहाँ लगाया हमने एक यहाँ लगाया हमने यहां पे और एक क्या किया हमने मांगे तो क्या ये हो गया

ठीक तो अभी इतना कि ECG में जो लीड है वो कहा जोड़ते हैं लीड जोड़ते हैं जो इलेक्ट्रिकल अब देखो हम एक पेशेंट से टू गेट कनेक्ट दी मशीन मशीन उसमें हम क्या करते हैं कि तीन इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं जिनको हम लिंब लीड बोलते हैं यहां पे जो ये है. है ये लिंब लीड है लिंब लीड होती हैं ठीक है ना

देखो क्या लिखा heart heart है फॉर ए डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन हार्ट के फंक्शन का तुमको और अधिक जानकारी चाहिए अच्छे से चाहिए, तो मल्टीपल लीड लगानी पड़ती है, है तो दूसरी क्या हो गई दूसरी हो, हो गई चेस्ट लीड हो गई है ठीक है ये तीन है ठीक है राइट आर्म लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग ये वी वन V2, V3, V4, V5, V6 होती हैं ठीक है ना है ना देखो एनसीआर ने छिपा के लिख दिया उसने कि तुम जानो ठीक है दिल की बातें दिल से समझ लो एन बोलता है कि कभी कभी कुछ बगैर कहे भी समझा करो भाई ठीक है एनसीआर साफ साफ कहती है कभी कभी बगैर कहे भी समझा करो तभी तो तुम्हारा माना जाएगा कि तभी तो हम मानेंगे कि तुमको एनसीआर से प्रेम है हर बात कही नहीं जाती एनसीआर टी क्या लिखता है कि हर बात लिखी नहीं जाती कुछ समझा करो मतलब जो एन लिखने वाले लोग हैं ना वो बिल्कुल मतलब ऐसे मान कर चले थे कि बाकी तो फिर आप समझदार हैं हम बतला दिए तुमको कि भैया तीन तो लिमिट लीड है इसमें और भी लगती है उसमें बाकी तुम जान लो अपना समझो अपना बैठ के ठीक है आई बात समझ में जब ये एनटीए के पहले पेपर जब सीबीएसई बोर्ड के पास में था ना बनाने का काम तो वो क्या करते थे इन छिपी बातों को निकाल लिया करते थे अच्छा इसका मतलब ये ठीक है कबीर दास जी के दोहे के समान है निकालो भैया राज कर तो पता होना चाहिए हमको ठीक है बेटा है ना ठीक बार-बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम पढ़ रहे हैं तो ये काम का है हमारे ठीक है है ना पिछले वजह इसको ऐसा नहीं करना पड़ता था इस बार क्या है इस बार जो है ना मतलब जो है बात-बात में जैसे बोलते ना मतलब

टेन डिग्री कब बोलोगे ट्वेंटी डिग्री कब बोलोगे थर्टी डिग्री कब बोलोगे ये पूरा सिग्निफिकेंस आपको बता दू आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे जब आप एमबीबीएस करने पहुंचेंगे आपको कम से कम एक या दो क्लास आपकी केवल वैक्टर के ऊपर चलेगी मेडिकल फिजियोलॉजी में कम से कम दो क्लास केवल वेक्टर के ऊपर चलेगी इंथोवेन ट्राइंगल के ऊपर एक क्लास चलेगी ये ट्राइंगल कैसे काम करता है अगली क्लास चलेगी इसमें कि ये सारे वेक्टर और हार्ट की वेक्टर में कहां से हार्ट में कौन सा वेक्टर निकल रहा जा रहा है आपको लगेगा कि वापस से नीट के दिन आ गए फिजिक्स फिर से आ गई सच्चाई है ये, ठीक है तो दुश्मनों उससे प्रेम, दुश्मन कौन? कौन दुश्मन? उस प्रेम करना सीख लो काम आएगा बेटा है ना ठीक है ठीक तो सर पढ़ाते वेक्टर ध्यान से पढ़ा करो बेटा है ना काम आएगा है ना ठीक है देखो है ना ये है तो देख रहे बाइपोलर लीड दिखाई पड़े है राइट आर्म right से लेफ्ट आर्म कनेक्ट करती है लीड टू जो होती है राइट right आर्म से लेफ्ट लेग करती है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग को वो करती है, तो पता ठीक है ना ठीक बहुत डिटेल में हमने और इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इंथोवेंस ट्राइंगल बोलते हैं इस वर्ड का संबंध किसी से कनेक्टेड से वर्ड होता इसे बोलते है यहां पे लीड 1 लीड 2 लीड के तो देखिए आप इसमें

आप बोलोगे कहाँ पढ़ाओगे नेक्स्ट मेडिको ठीक है ना हमारा अनदर एप्लीकेशन है अनदर हमारा यूट्यूब पे तो खैर कम एक्टिविटी है उसमें क्योंकि वो थोड़ा सा सीरियस टाइप का वेंचर बहुत ये भी सीरियस है बहुत भाई के वहाँ पे क्या होता है लिमिटेड टाइप का क्राउड होता है ना इसलिए वो ऐप पर ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पर होती है ठीक है ना खैर अभी मत डाउनलोड करना उसको नेक्स्ट मेडिको को अभी ज़रूरत नहीं आपको है ना आप अभी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है बाकी बेटा उसके बाद आप करेंगे ठीक है चलिए तो अब हम एक बात समझ गए हम समझ गए कि दिल का संबंध जो है वो तीरों से है ठीक है अब आप बोलोगे सर अरे हमने तो एक चीज देखी और कि अभी मैं भी मैं भी मेरे को दिमाग में आया कि हम क्या करते हैं आप देखना कभी ऐसे लोग होते हैं कई लोग कई लोग ऐसे होते हैं ठीक है जो पेड़ों पर ताजमहल देखने जाएंगे वहां पर कोई मेन्यूमेंट देखने जाएंगे वहां पर आर्कियोलॉजी की कोई चीज वहां पर पत्थरों पर पहाड़ों पर ऐसा बना देंगे और फिर ऐसा तीर निकाल देंगे ठीक है ना ऐसे ही कुछ तीर तीर ठीक है ना यहां पर एक नाम लिखेंगे यहां पे एक नाम लिखा उन्होंने ठीक है एक तरफ नाम लिखा उन्होंने अपना खुद का फिर एक तरफ उन्होंने दूसरे का नाम लिखा वैसा बना दिया उन्होंने वेक्टेट किया ठीक है ठीक है मूर्खानंद लव्स एक्स वाई जेड ठीक है ना तो मतलब वो जो वो जो 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 भी है मतलब ये लोग हैं कई कुछ सुंदर जगह देखने जाएंगे पेड़ पेड़ पे, पेड़ पे जो पेड़ पे पहाड़ मर, की छाल पे कहीं ना कहीं जहाँ मर्जी पड़ेगी वहां पे पता नहीं पब्लिक अनाउंसमेंट से उनको लगता है कि यहां पे लिख देंगे तो उससे कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा जिंदगी में ठीक है लिख के आते हैं ठीक है और तो और मैंने तो ये तक देखे मैंने कि मतलब अब तो बहुत दिन से हो गया नहीं सफर किया लेकिन जो है वो ट्रेन में लोग लोग जो है ट्रेन के अंदर जो होते हैं ना टॉयलेट टॉयलेटलेट ट्रेन में जो बाहर होता है है वहां भी लिखाते हैं ठीक जाने कौन खुशी मिलती है जाने कौन सी खुशी मिलती कि सोचते कभी कि ये नोट पहुंच जाएगा सामने वाली पार्टी तक ठीक है क्या बताए आपके तो ये जो है ना ये जो ये जो ये जो, ये, जो, ये निकाला है ना ये लोग भले है इनका नाम मूर्खन जरूर हो पर दिस इज अ वेक्टर इनको पता नहीं कि एक नहीं लगाते तीन लगाते हैं दादावेंट ट्राइंगल होता है बोला इनको पता ही नहीं चीज ठीक है ये वेक्टर एक्चुअली ठीक है तो इसको ठीक करना अगली बार बनाओ ना तो अगली बार ऐसा बना के आना अगली बार ऐसा बना के आना तो टेक्निकली सही रहेगा वो चीज टेक्निकली वो बिल्कुल सही रहेगा वो चलिए ठीक है आप बोलोगे कि आज किस मूड में आप कोई मूड में नहीं यार पढ़ा रहे बता रहे हैं आपको हम सब चीजें ठीक है ना क्लियर समझ गए हम हम बात कि हार्ट का पूरा का पूरा पूरा जो है वो स्ट्रक्चर इस ऐसे इसी से इस समझ सकते देखो है ना फिर आप देख रहे हो आपको जो रेड एरो है बेटा वो चेस्ट लीड है जो जो आप देखो रेड एरो है वो चेस्ट लीड को बतलाता है बेटा ठीक है ना ठीक है और जो एवीआर एवीएल और एवी एफ है ये ऑगमेंटेड लीड होती है ऑगमेंटेड करेंट का समअप समअप करके बताती है अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे हम क्योंकि अभी आपको जो है इसके लिए

क्या लिखा है ऑब्बियस अब देखो जो मैं बता रहा जो मैंने 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन टू आर आर बिटवीन दी आर आर इंटरवल बताया था ना आपको मैंने देखो एनसीआर कैसे छिपा के लिखा है कि

देखो नॉर्मल ईसीजी हम सब में एक समान होगा यदि कोई भी डेविएशन ईसीजी में देखने मिल रहा है पी 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 जो है है वो ऐसी गायब में ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है जो मान लो फॉर एग्जाम्पल अब आपको हार्ट अटैक कैसा दिखाई पड़ता है यानी किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक है मायोकाडल इंफेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा ऐसा दिखाई पड़ता है पी वेब क्यू आर एस ये है एस टी एलिवेशन ही बोलते हैं एस टी एलिवेशन माओकार्डन के यह हार्ट अटैक का ईसीजी है ऐसा दिखाई पड़ता है ठीक है एस टी वेब एलिवेट कर जाती है ठीक तो इसमें कोई भी डेविएशन यदि नॉर्मल शेप में होता है तो वो पॉसिबल बीमारी को बतलाता है इसलिए इसका ग्रेट क्लिन ग्रेट वर्ड यूज क्या है इसका ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड देख के इसी काफी चीजें आप, आपको मालूम चल जाती है ठीक है बेटा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखो अब कुछ चीजें हम समझे पी वेब एट्रिया के बारे में बताती है कि लेफ्ट और राइट एट्रिया जो है वो किस प्रकार से रिपोर्ट उसको बता क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंटिकल के बारे में बताता है ठीक है? एस टी टी वेब जो होती है वेंटिकल रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है यू वेब

जो है पी वेब में भी आपको जो है वो इस प्रकार से बाइफ बाइफेजिक पी वेब दिखाई पड़ रहा है तो लेफ्ट और राइट right एट्रिया का इनलार्जमेंट हो चुका है ठीक है ना क्लियर राइट right जो पहले होता है ठीक है ये राइट right को शो करता है ये लेफ्ट को शो करता है क्योंकि राइट एट्रियम में इंफॉर्मेशन जो है करंट पहले राइट right एट्रियम में पहुंचता है बाद में लेफ्ट एट्रियम पहुंचता है याद है ना बैकमेंस बंडल ठीक है ना ठीक फिर याद मैंने कहा ना फर्स्ट डिग्री देखो इस कहने का मतलब ये, मैंने आपसे कहा बेटा कि फर्स्ट पी आर पी इंटर पीआर इंटरवल में लंबा पी आर इंटरवल होगा तो उसे फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक कहते हैं और हाइपोथाइर में

ठीक देखो नॉर्मल इसीजी देखते हैं हम अच्छे से क्या तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीआर सेगमेंट है ना बेटा दिख रहा है पीआर इंटरवल ठीक नॉर्मल क्यूआरएस ड्यूरेशन जो होता है वो लेस लेस देन पॉइंट वन सेकंड होता है होता है ठीक है यदि क्यूआरएस इंटरवल जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब है बंडलर ब्रांच ब्लॉक है वेंट्रिकुलर एक्टोपिक कोई दवा का प्रभाव है सीवियर हाइपो यानी पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ चुकी है हायर पोटेशियम आयन का जो है वो भी हार्ट को अफेक्ट करता है तो को रिप्रेजेंट करता है तो बंडल ब्लॉक ब्रांच ब्लॉक होगा तो उसमें जो है वो वाइड क्यू आर एस को जो है वो बढ़ जाएगा अब आप बोलोगे सर ये इतना डिटेल क्यों बता रहे हो बेटा मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ चीजों को क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में चीजें नहीं आती हैं पर पता होना चाहिए उनको क्योंकि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ठीक और ये क्या देख रहे आप ये रियल टाइम आप इसी देख रहे हो आपके क्योंकि देखो मेरे लिए मेरा पढ़ाने का मतलब मेरा जब मैं पढ़ाता हूँ बेटा तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आई एम टीचिंग यू फॉर द नीट लेकिन मेरा जो जो पढ़ाने का तरीका वो है कि हम चीजों को जानने के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है हम समझ गए इसी चीज क्या लेकिन थोड़ा वेरिएशन तो होना चाहिए ताकि हमारे आस में कोई है तो हम उसकी हेल्प तो कर सकें ठीक है ना ठीक देखो ये क्या दिखाई पड़ रहा है ये आपको जो है वो एस टी एलिवेशन दिखाई बकाया दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे ठीक है ना देखिए अपने नॉर्मल इस को देखिए आप और ये एस टी एलिवेशन के ये नॉर्मल को देखिए आप और जो है ये हार्ट अटैक है ये इसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक के यदि ऐसा दिखाई पड़े मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन है ठीक है है ना ये इसलिए बता रहा हूं कि कई जगह पर बेटा इसीजी मशीन तो अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर को समझने वाले डॉक्टर बहुत कम है यहां पर इसलिए आपको पता होना चाहिए यह क्या है यदि ऐसा ईसीजी दिखाई पड़ रहा है दिस

ठीक है तो मेरा इतना बोलना है आपसे इतने लेक्चर के बाद देखो मैंने आपको इसी जी अच्छे से बता दिया मतलब अब आप इसी चीज में कोई गलती नहीं करेंगे जितना हमने पढ़ा इसी जी में कोई गलती आप नहीं करेंगे पर मैं आपको एक चीज बता चुका हूं बेटा अच्छे से अच्छे से दिमाग में डाल के वाई आर आप पढ़ क्यों रहे आप पढ़ रहे हैं बेहतर डॉक्टर बनने के लिए और बेहतर डॉक्टर बनने की शुरुआत यहीं से हो चुकी होती है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड यू थिंक अबाउट दैट कि हाँ क्यों होता है कैसे होता है कि मुझे करना है मुझे अच्छा करना है यहीं से शुरुआत होती है के. आप सोच रहे हो कि कॉलेज में मुझे एकदम मेरे मेरे को कल एक मेरा स्टूडेंट एक, है वो जो है वो बी में पढ़ता है आई एम जो कॉलेज है वहाँ पर पढ़ता है उसका फुल फ़ोन आया है तो उससे बोला कि सर है ना मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं हो रही कॉलेज में बट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दी एनाटॉमी क्योंकि एनाटॉमी में

to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.